नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पंचायत और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। झुंझुनू के सिंघाना मानपुरा में एक पखवाड़ा पहले लूटे गए डंपर को सिंघाना पुलिस ने हरियाणा के हिसार से बरामद कर लिया। पुलिस आरोपियों का सुराग लगाने में जुटी हुई है। एक पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर थाना अधिकारी राम मनोहर ने अपनी टीम के साथ हिसार में दबिश दी तो वहां डंपर पाया गया। 8 मई को सुबह 5:30 बजे मानपुरा के पास एक डीआईजी ने आधा दर्जन युवक सवार होकर आए थे। डंपर चालक से मारपीट कर पिस्तौल की नोक पर डंपर लूट कर ले गए। धौलपुर में चंबल लिफ्ट परियोजना की मांग को लेकर जून 2012 से चली आ रही किसान संगठन राजाखेड़ा की आवाज एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। चंबल का पानी राजाखेड़ा क्षेत्र के किसानों को दिलाने के लिए पीतमगिरी बाबा मंदिर पर किसान संगठन राजाखेड़ा की महापंचायत आयोजित की गई। किसान नेता रामपाल जाट के नेतृत्व में हुई महापंचायत में सभी किसानों ने एक राय होकर महापंचायत को महापड़ाव में बदल दिया। अजमेर में तारागढ़ पहाड़ी पर स्थित टीवी टावर पर एक विक्षिप्त युवक के चढ़ने की घटना ने सुरक्षा की पोल खोल दी। दूरदर्शन के टावर की कड़ी सुरक्षा के बावजूद विक्षिप्त युवक परिसर में घुस गया और टावर तक पहुंचकर ऊपर भी चढ़ गया, जिसके बाद टावर पर सुरक्षाकर्मियों को पता नहीं चला। यह मामला तब सामने आया जब युवक काफी ऊपर तक चढ़ चुका था। इसके बाद पुलिस को फोन किया गया। ये युवक टावर के इतने ऊपर पहुंच गया कि ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। इसके बाद पुलिस ने 2 बिजली कर्मियों को टावर पर चढ़ाया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ड्रीम प्रोजेक्ट जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआती सफलता के चर्चे जहां दिल्ली तक हो रहे हैं, वहीं अब धर्मगुरु भी सीएम के इस अभियान की तारीफ कर जल बचाने का आह्वान कर रहे हैं। इन दिनों जैन धर्मगुरु मुनि प्रमाण सागर और मुनि विराट सागर नागौर जिले के कुचामन सिटी के प्रवास पर हैं। इसके चलते कुचामन सिटी में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जोधपुर की तिवरी पंचायत समिति में दुर्गा वाहिनी के जोधपुर प्रांत का प्रांतीय शौर्य प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। जोधपुर प्रांत के प्रांतीय प्रशिक्षण तिवरी के शहीद आजम सरदार भगत सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे वर्ग में जोधपुर प्रांत के 19 जिलों के 250 शिक्षार्थी शिक्षिकाएं भाग ले रही हैं। भरतपुर के नदवई कस्बे में परचून की दुकान सहित दुकानों पर घरेलू सामान के साथ क्षेत्र के गांव एंचेरा में खुलेआम अलग अलग जगह अवैध तरीके से देशी और अंग्रेजी शराब की बिक्री होने के मामले में सोमवार दोपहर करीब 2 दर्जन से अधिक महिलाओं ने नाराजगी जताते हुए एसडीएम को ज्ञापन दिया, जिसमें महिलाओं ने कई दुकानों पर शराब की बिक्री होने से महिला व बच्चों को आने जाने में हो रही परेशानी के बारे में बताया। बाद में एसडीएम शौकत अली ने शीघ्र पुलिस कार्रवाई करने का आश्वासन देकर महिलाओं को शांत कराया। उधर एसडीएम शौकत अली ने बताया कि थाना प्रभारी को अवैध शराब की बिक्री रोकने व कार्रवाई के एक निर्देश दिए। जयपुर के चामू में कल देर रात हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से काफी कुछ राहत मिली है। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और सुबह हल्की ठंड भी महसूस हुई। कल देर रात 2 बार धूल भरी आंधी चली और उसके बाद आसपास के इलाके में बारिश हुई, जिससे लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। वहीं बारिश के बाद तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। जयपुर के चामू उपखंड में सैकड़ों की संख्या में सूखे खुले कुएं हादसे को आमंत्रण दे रहे हैं। राज्य में बोरवेल में गिरने की घटनाओं के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन ने इन घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया है। चामू उपखंड में सैकड़ों की संख्या में ऐसे सूखे खुले हुए हैं जिनसे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। राज्य सरकार ने पंचायत स्तर पर सरकारी बजट से इनको ढकने के आदेश दे रखे हैं, इसके बावजूद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। यही नहीं, इन कुओं में आए दिन बेजुबान जानवर गिरकर अकाल मौत का ग्रास बन चुके हैं। स्थानीय गौरक्षक दल के अध्यक्ष शेर सिंह कुमावत ने बताया कि कम से कम उनके पास 50 ऐसे उदाहरण हैं। भरतपुर के नदवई कस्बे के डेहरा मार्ग पर नामखेड़ा गांव के समीप देर रात जायलो व ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 महिलाएं 2 युवती व एक युवक घायल हो गया। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से नदवई सीएससी पर भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल एक युवती व एक युवक को जिला आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया। ये सभी घायल एक ही परिवार के हैं और कचुमर तहसील से किसी कार्यक्रम में से लौटकर वापस अपने गांव जाटोली रत्मान थाना चुकसाना जा रहे थे। बाड़मेर के बायतू जलदाय विभाग कार्यालय के महज आधा किलोमीटर दूर स्थित शंकर सिटी के पास रहने वाले मेघवालों का आवास के बाशिंदे पिछले एक पखवाड़े से पानी के लिए तरसने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक कथित व्यापारी द्वारा बायतू मुख्य बूस्टर से जुड़ने वाली पाइपलाइन को जेसीबी से तोड़ दिया गया था, जिससे इन 100 घरों की पेयजल सप्लाई बंद हो गई थी। जिससे इन बाशिंदों की एक पखवाड़े से जलापूर्ति नहीं होने से मोहल्ले वासियों को ट्रैक्टर टंकियों से पानी खरीद कर लाना पड़ रहा है। लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायत की, जिसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सीकर के खंडेला कस्बे के ग्राम धर्मपुरा के जोहड़ में स्थित गोचर भूमि में लगे एक पक्ष के गेट को दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा बंद करवाने की बात को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि नौबत लाठी भाटा जंग तक पहुंच गई।
झगड़े में दोनों पक्षों की तीन महिलाओं सहित कुल 10 लोगों को चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची खंडेला थाना पुलिस ने सभी घायलों को राजकीय चिकित्सालय खंडेला पहुंचाया, जहां तीन की हालत गंभीर होने पर सीकर रेफर किया गया। अजमेर के पीसांगन में ससुराल में शराब पीकर उत्पात मचाना एक पति को पीड़ा भारी पड़ गया। पत्नी द्वारा पुलिस में शिकायत के बाद शराबी पति को गिरफ्तार किया गया। अजमेर के विजयनगर में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच के लिए रसद विभाग की टीम आने की सूचना के बाद खाद्य सामग्री बेचने वाले थोक और खुटकर व्यापारियों में हड़कंप मच गया और सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों के शटर डाउन करके गायब हो गए। भरतपुर के नदवई में भारत स्काउट और गाइड स्थानीय संघ नदवई द्वारा ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्राओं को विशेषज्ञों द्वारा अनेक चीजें सिखाई जा रही है। जयपुर जिले के रेनवाल में लोगों ने पानी की समस्या को लेकर तहसीलदार, पालिका आदिशासी अधिकारी व जलदाय विभाग के जेईएन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समस्या का शीघ्र समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बूंदी के नैनवा में पंचायत परिसर में लगा वाटर कूलर करीब एक साल से नकारा साबित हो रहा है, जिससे यात्रियों को भारी पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। झालावाड़ के मनोहर थाना में आवलहेड़ा से लापता हुए युवक राम प्रसाद लोधा को पुलिस ने खोजकर परिजनों को सौंप दिया है। युवक को मोबाइल की लोकेशन से ढूंढा गया। भरतपुर के बैर में एनएच 11 के गांव बैरी के पास एक ट्रक में संदिग्ध हालत में लाश मिली है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान सीकर के ग्यासीलाल गुर्जर के रूप में की है। सिरोही के भिंडवाड़ा में नरेगा कार्य के दौरान लेबर और कामित नहीं मिल रहे हैं, जिससे परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया। अलवर के भैरोड में सोमवार को हुई बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो गया है। तेज अंधड़ के बाद बिजली गुल हो गई तो वही जगह जगह बिजली के तार टूट चुके हैं। 18 घंटे बाद भी बिजली सप्लाई शुरू नहीं हुई। जैसलमेर के पोखरण में नशेड़ियों को नशे से छुटकारा दिलाने की पहल को लेकर विभाग की ओर से नशा मुक्ति शिविर का आयोजन हो रहा है। राजकीय चिकित्सालय पोखरण में ये शिविर प्रारंभ हुआ। तलबगारों को चिन्हित कर उपचार किया जाएगा, दवाइयों के साथ ही शिविर में सभी सेवाएं निःशुल्क दी जा रही है। अस्पताल परिसर में ये शिविर चल रहा है। दौसा के बांदीकुई में पत्थर क्रेशर पर मजदूरी करते वक्त हादसा हो गया, खान ढहने से मजदूर महिला की मौत हो गई, पुलिस मौके पर पहुंची। जयपुर के रेनवाल में संदिग्ध अवस्था में कमरे में युवक का शव मिला है, एलएनटी कंपनी में ये काम करता था। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को सीएससी रेनवाल में पहुंचाया। उत्तराखंड हरिद्वार का युवक ये रहने वाला था। नागौर के डीडवाना में किसान नेता हरिराम भाकर ने एसडीएम डीडवाना को ज्ञापन देकर मनरेगा श्रमिकों का समय बदलने की मांग की है। भाकर ने दिए गए ज्ञापन में बताया कि डीडवाना लाडनू क्षेत्र के नरेगा श्रमिक भयंकर गर्मी में कार्य करते हैं, जिसके कारण अनेक श्रमिक बीमार हो गए हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि नरेगा श्रमिकों को मानदेय भी 194 रुपए तय किया जा चुका है, मगर 160 रुपए ही भुगतान किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सरपंच के खिलाफ तोड़फोड़ व जातिगत अपमान करने का मामला दर्ज हुआ है। लेसवा सरपंच सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। बीकानेर के नोखा में पुलिस और परिवहन विभाग ने अवैध वाहनों के खिलाफ संयुक्त अभियान शुरू करते हुए बगैर परमिट चलने वाली बसों और ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की। सीकर के लोसल में बीसरपुर के पानी की मांग को लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए। 65,000 की आबादी की 8 पंचायतें पानी की मांग को लेकर आंदोलन करेगी, करीब एक दर्जन गांव पानी के लिए तरस रहे। बूंदी के नैनवा में झोलाछाप डॉक्टर का बोलबाला है, उपचार के बहाने मरीजों को ठगा जा रहा है। पाली के सुमेरपुर नगर पालिका सभागार में साधारण बैठक उप मुख्य सचेतक मदन राठौर, पालिका अध्यक्ष जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राप्त अपीलों, मुख्यमंत्री जनावास योजना, थलवा जाओ में मल्टी स्टोरी मार्केट पीपीटी मोड पर बनाने पर विचार विमर्श किया गया। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।